ये सत्य है, जिस तरीके से सूरज की पहली किरण पूरे संसार को रोशनी देती है, संसार का अंधेरा दूर करती है, ठीक उसी तरीके से हमारे मंदिर में लगाया गया एक दीपक हमारे घर के मंदिर के साथ साथ घर आंगन को भी रोशन करता है, हमारे मन के अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग में और मेरे घर में। तो अभी यहाँ पर मैंने स्प्राउट लिए हैं नाश्ते में, नहाकर मैंने पूजा करी, फिर मैंने सबका नाश्ता निकाल दिया था जो कि स्प्राउट और दूध है, और यहाँ पर मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। लेकिन क्या है, नहाने के बाद नाश्ते के साथ साथ एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, वो है मॉइस्चराइज़र, और ख़ासकर मार्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मार्च में सूखी सूखी हवाएँ चलती हैं, शुष्क हवाएँ जिनको हम कहते हैं, तो भाई इस टाइम पर मुझे सर्दी से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में क्या हम फुल कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर वगैरह तो चलो छुप जाते हैं हाथ पैर, लेकिन क्या है इस टाइम पे स्वेटर वगैरह नहीं पहनते हैं, कम पहनना होता है तो और भी ज़्यादा हाथ पैर ड्राई लगते हैं। और उसके बाद जो सिंपल सा मेकअप होता है हाउसवाइफ का, सिंदूर और बिंदी, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने फटाफट कर ली हैं। और उसके बाद नाश्ता, 4 बज रहे हैं, 4:30, धूप कितनी तेज है। और ये सरसों 2-3 दिन पहले गांव से आई है कट के, तो यहाँ पे डाली गई है छत पे सूखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा गीली थी तो इसको यहाँ पे फैला दिया था मैंने सूखने के लिए, वरना क्या है ख़राब हो जाती है। सरसों इकट्ठी करके मैं नीचे आ रही हूँ, ये देखो सामने से हमारी बिटिया रानी आ रही है जो कि आज गई थी बर्थडे पार्टी में, और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये फूल जो कि सर्दियों में लाए थे पौधा, लेकिन क्या है अब फूल इनमें गर्मियों में आने शुरू हुए हैं, सर्दियों भर इनमें फूल ही नहीं आए, अब शुरू हुए हैं इनमें फ्लावर आने। ये इन्होंने सर्दियों में ही लिए थे, बाहर बेचने आया था तब इनमें फूल नहीं आए थे, पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं अब आने शुरू हुए हैं, और बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं पौधे, मिट्टी एकदम पत्थर सी हो रही है, जबकि मैंने इनमें कल दिया था मैंने पानी। और अभी जानू भी आ गई है बर्थडे पार्टी से, तो सीधे छत पे आई है, मैं डाल रही हूँ पौधों में पानी, और मैं अपने बच्चों से बोल भी देती हूँ कि चलो थोड़ी सी हेल्प कर दो डाल दो, तो क्या है इनकी आदत है 2-4 गमलों में डालेंगे फिर बोर हो जाएंगे, फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं तुम ही डालो, तो मैं ही डालती हूँ पानी या फिर ये डाल दें, ज़्यादातर तो मेरा ही डालना होता है पानी वानी, क्योंकि मैं सुबह जब छत पर आती हूँ तब मैं डाल देती हूँ मुझे जो भी सूखा पौधा नज़र आता है, सूखा गमला या फिर शाम। हाँ बाइक पर चलो कि गाड़ी ले चलियो, गाड़ी यार वो खड़ी नहीं कर बनी, सब्जी लेने जा रहे हैं सब्जी, बाइक ले चलो, बाइक बढ़िया रहते। 4 बज गए हैं, मैं और ये जा रहे हैं सब्जी लेने, जैक हमारा बाहर बैठा है, जैक इधर, जैक अंदर आओ, चलो तो चलो अंदर चलो। और यहाँ पर मैं खा रही थी मोमोज, तो मैं वैसे मार्केट में बहुत कम खाती हूँ ये बात सब लोग जानते हैं, मतलब मेरे घर में सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे बनते हैं, मेरे मायके साइड की मार्केट है और यहाँ से मम्मी लेकर जाती हैं कभी कभार, तो मैंने खाए हैं यहाँ पे, अच्छे देते हैं बिल्कुल गरम गरम, तो मैं खा रही थी और ये बना रहे हैं वीडियो जिससे मुझे हँसी आ रही थी। और अभी मैं आ गई हूँ अपने मायके। हेलो भाई, हेलो, हुआ ये हमारी पिंगल लाई है,
हम फिंगर लेके आए हैं, चाय पीने आए हैं अम्मा जी के घर। चाय बनाओ, जल्दी चाय पिए फिर हम घर जाएं, खाना वाना बनाना हमको भी। ये हमारी अम्मा, रुक जाओ का बात, हाँ बूढ़ी अम्मा थोड़ी ना, अम्मा हमारी जवान है, अम्मा हमारी कह रही है चंदर यदर घूम रही, अम्मा क्या ठंड लग रही है। अब बांध लो टॉप ऑफ, हम कहीं कान जला, सब्जी गई थी हमको इलाज चले का, सब्जी है ये भिंडी सब्जी है, आलू टमाटर का रेट पाई गई मसीड़े असीम दे, पास में मायका होने का भाई सुख कह लो सौभाग्य कह लो कुछ भी है, पर मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मन करे तब हम जा सकते हैं, दूर होता है तो फिर आने जाने में बहुत मुश्किल होती है, तो मेरा तो मायका बिल्कुल पास में है। चाय पी रही हूँ, भाभी पी रही है, और मिट्टू हमारी क्या कर रही है, फिंगर की चटनी चाट रही है, फिंगर खत्म है, फिंगर खत्म हो चुकी है तो चटनी चाट रही है। कौन देखता है, कितना कौन देखता है, हेलो बोल दो, काव्या के तो काव्या, हेलो काव्या मेरा वीडियो देखती है, के तो काव्या तुम मेरा वीडियो देखती है, किसका, ममता बुआ का, ममता बुआ का, हां हां मम्मी बैठी हैं, हां और कृष्णा के पापा होमवर्क कर रहे हैं बच्चों का, ये देखो भैया कृष्णा के पापा वो पीछे होमवर्क कर रहे हैं, बच्चों का होमवर्क कर रहे हैं, गलत बात है, मैडम को भी दिखाना वीडियो, घर हमारा टूटो फटो मगर मोबाइल हम बहुत बढ़िया मोबाइल में अम्मा वो बढ़िया होते हैं, मुँह चाहे जैसे मोबाइल में बहुत अच्छे आवते हैं, टूटो फटो सबको मुँह देखो कितने साफ आवते हैं, किसका, ये फूफा चाय पी रहे थे, हमारा भी पी रहे हैं, कृष्णा भी चाय पी रहा है और हम भी पी रहे हैं, दिखे हो कृष्णा भी चाय पी रहा है और हम भी पी रहे हैं, अच्छी है, अदरक वाली है, यम्मी है, पंजाब से रहे हैं, और यहाँ पर हमारी भाभी ने भी शुरू कर दी है ब्लॉगिंग करनी, वो वीडियो देखती है मेरे, उनके मायके की फैमिली भी वीडियो देखती है, तो बस वो उन्हीं को बोल रही थी, लेकिन क्या है पीछे चल रही थी टीवी जिसमें गाना चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने फिर से यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी है, और अभी साथ के साथ इस वीडियो का एंड भी मैं कर रही हूँ, तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अभी यहाँ पर हमारी मिट्टू की जो है चटनी सॉस ख़त्म नहीं हुई है फिंगर की, तो वो खा